वैसे तो दोस्तों स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के फ्रेंड जासूस किंग के बारे में। तो हाल ही में इन्होंने मैक्सन को ट्रोल किया। तो बेसिकली इनके बीच में एक लफड़ा शुरू हुआ था जिसका रिएक्ट करते हुए जासूस किंग ये पोस्ट करते हैं, जरा ये देखो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रजत दलाल के बारे में। तो उनका हाल ही में एक हिट एंड रन का वीडियो वायरल हुआ था जिसके रिस्पांस में उन्होंने कहा कि वो आदमी वो है ही नहीं। वेल अभी उनका एक और वीडियो वायरल जा रहा है जिसमें कि वो एक टीनेज लड़के को बहुत मारते हैं और सॉरी बोलने को कहते हैं। उसके लाख सॉरी बोलने के बाद भी वो उसे मारना बंद नहीं करते। मैं आपको वो वीडियो तो नहीं दिखा सकता ड्यू टू यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, लेकिन हाँ मैं कुछ फोटोज ऐड कर दूंगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो हम सभी को मालूम है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक नया चैनल खोला और उसकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पर हुई है और उस चीज से उनकी फैन पावर का भी पता चलता है। लेकिन जहां तक बात आती है मिस्टर बीस्ट से आगे जाने की, तो इस पर जैक पॉल का ये कहना है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आगे जाके उनका सब्सक्राइबर्स काउंट कम हो जाएगा, जो कि हम लोग हाल ही में देख ही सकते हैं। वेल तो दोस्तों हाल ही में अभी अज़ाज़ खान का एक नया वीडियो वायरल जा रहा है जिसमें कि वो मनीषा रानी को ट्रोल कर रहे हैं। हाल ही में इनका बहुत सारे लोगों के साथ लफड़ा हुआ है और अब फेम पाने के लिए वो मनीषा रानी को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनो। कोई नहीं जानता था, अरे बाप रे बाप, प्रिंसी अश्मी कुमार को मालूम है, वो मनीषा रानी का बॉय था, थैली वैली पकड़ के चलता था उसी। फिर इसने एक दिन मेरे को मैसेज किया कि भैया मैं हमने देखा यार ये इतना खूबसूरत बच्चा, मनीषा रानी की बैग और छतरी वतरी छाता वाता और कैमरा भी लटका हुआ है पुराना सा। हमने बोला ए कल सुबह में हमारी एक रील बनाया, उसके बाद टाइम नहीं है, उसके बाद इतना बिजी हो गया है, अब तो डीओपी बन गया है वो, समझ रहे हो तुम, डीओपी बन गया है वो, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। लेकिन आज भी वो मनीषा रानी का बॉय है क्योंकि मनीषा रानी को चॉकलेट बॉय बहुत पसंद है। मनीषा रानी का मेरे पास एक चैट है, दिखाना नहीं चाहिए, प्रिंस को दिखाया मैंने। वैसे सर मैं आपकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ सर, मुझे कभी किसी ने मदद नहीं की सर, सर मेरी मदद करो सर, मेरी हेल्प करो। मैं मिला, उत्साहन दिया उसको, जो कर सकता था करा। कट्टू अब इस चीज का रिप्लाई करते हुए मनीषा रानी ने तो अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके एक फ्रेंड ने रिप्लाई किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा सुनो। हाँ तो एक वीडियो देखा हूँ एजाज खान, तेरा एल्विश और रजत दलाल से हो गया, तो अब तू फेम लेने आया यहाँ मनीषा रानी के पास। और अगर तू ये सोच रहा है कि तू बहुत बड़ा गुंडा है बॉम्बे का, तू किसी को भी बोल के रह जाएगा, तो भाई देख मैं भी बॉम्बे में रहता हूँ और मनीषा भी बॉम्बे में रहती है, और अभी तेरा एक केस खत्म नहीं हुआ तो दूसरे केस में पढ़ना चाह रहा, तू वापिस अंदर जाएगा ना तब तेरे दिल को तसल्ली मिलेगा और तेरी ये जो मनोकामना है ना वो भी पूरी करेंगे। और जो तू स्क्रीनशॉट की बात कर रहा है ना बेटा, वो तो कोई स्क्रीनशॉट तेरे पास होगा ना होगा मुझे नहीं पता, वो कभी फेमस नहीं होगी, तो उसने एक तू अच्छा इंसान होगा लोगों की मदद करता होगा तो उसने कर दिया होगा मैसेज। लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं यहां पे, तूने उसको क्या मैसेज किया है वो तू देख। और रही बात तेरा मनोकामना पूरा करने की, तो वो भी करेंगे, तो बंबई में रह के गुंडागर्दी करना और उत्तर प्रदेश वालों से और बिहार वालों से बिल्कुल मत करना है, तो टांग के ले जाएंगे तुझे, तो यहीं पर रह जाएगा, देखता रह जाएगा, तेको इसका जवाब मिलेगा बेटा, तू टेंशन मत ले, कोई तेरे से डरता ना है, आज तेको देता हूं फेम। और देख हम लोग गुंडे नहीं है, हम लोग ना गुंडा मवाली बुला के ए भाई आजा हम लड़ेंगे हम ये करेंगे एक नंबर तीन नंबर पांच नंबर अपन नहीं करते हैं। हम हमारे नॉलेज में और हमारे नजर में सबसे बड़ा गुंडा पुलिस है, जब दोबारा तेको उठा के ले जाएगी ना और जब पड़ेगा डंडा पीछे ना तब तेको समझ में आएगा, तू रुक जा सबर कर तू सबर। वेल तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं कल एक और नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।